भगवान की जय हो। बड़ी पावन चर्चा का रसपान आप सब कर रहे हैं। पूर्व की मीटिंग में आप सब श्रवण कर रहे थे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघविंद सरकार राम जी, छोटे भैया लक्ष्मण जी, गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक जी के यहां पहुंचे। राजा जनक जी बढ़िया स्वागत सम्मान किया है, बहुत बढ़िया आसन बिस्तर की व्यवस्था किया है, जलपान कराया, भोजन कराया। दोपहर में आप सब श्रवण कर रहे थे ऋषि संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जा। एक पहर दिन शेष रह गया है। लक्ष्मण जी को माध्यम बना करके भगवान राम गुरुदेव विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, गुरु जी भैया लक्ष्मण आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, इनकी कुछ इच्छा है। क्या इच्छा है? लखन हृदय लाल साबिसे की, लखन हृदय लाल साबिसे की, लखन हृदय लाल साबिसे की, जाए जनकपुर आइए देखे, जाए जनकपुर आइए देखे, जाए जनकपुर आइए देखे, जाए जनकपुर आइए देखे। जो होशियार चतुर लोग होते हैं उनके बात करने का अंदाज कुछ अलग ही होता है, ढंग तरीका अलग ही होता है। जैसे पंगत में कई लोग बैठे भोजन कर रहे हैं, एक रोटी या पूड़ी की जरूरत हमको है, हम नहीं मांग पा रहे हैं, भैया जरा ये महात्मा जी से पूछ लो पास में जो बैठे हैं, भैया जी से पूछ लो इनको एक रोटी दे दो। अब जब उनके लिए आप लाओगे तो पूछोगे तो हमसे भी, अच्छा ठीक है नहीं मानते तो एक हमारे में रख दो। जाना भगवान राम जी चाहते हैं नगर देखने के लिए, माध्यम लक्ष्मण जी को बना रहे हैं, तो अब राम जी का मौका तो नहीं मिल रहा है नगर देखने जाने के लिए, क्योंकि लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आई देखी। अब विश्वामित्र जी महात्मा जी लक्ष्मण जी को अकेले नगर देखने के लिए भेज रहे हैं या कोई चेला को बुला करके कह रहे हैं भैया जाओ पूरे शहर नगर दिखा तब लेके आओ? तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो जल्दी वापस ले आएगा। तो राम जी फिर बोले, दोबारा बोले कि गुरु जी किसी दूसरे के साथ मत भेजना लक्ष्मण को, हमारे से कहो, और जब हम इनको नगर दिखावे जाएंगे तो लाभ ये मिलेगा हम तुरंत ही ले आएंगे। और कोई चेला को जो अगर जनकपुर के व्यक्ति को बुलाओगे तो पता चला हर एक रास्ता न दिखावे, और दिखा भी देगा तो मन करेगा भाई साहब जरा हमारे घर ही चलो, एक गिलास दूध ही छाछे ले लो तब चलो आगे, तो नाश्ता पानी कराने में समय लगा देगा, और जो हम जाएंगे तो हमारे जाने से लाभ क्या मिलेगा। जो राउर आए सुमें पाओ, जो राउर आए सुमें पाओ, नगर दिखाई तुरत ले आओ, नगर दिखाई तुरत ले आओ, जो रा
आवो नगर सुख निदान दो भाए। सुख निदान दो भाए सुफल करो सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। सुफल करो सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। सुफल करो सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाय देखिया वो नगर, नगर देखने के लिए कौन जाना चाहता है? जो सुख के समुद्र हैं, सुख के सागर हैं, सुख के निधि हैं। जाय देखिया वो नगर सुख निदान दो भाव। सफल करो सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। मैं किसी मीटिंग में निवेदन कर चुका हूं, हमारे भगवान का ऐसा सौंदर्य है जिसको देख करके दुश्मन लोग मोहित हो जाया करते हैं। बैरी हो राम बड़ाई कर रही। दोनों राजकुमार गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु पद कमल बंदे दो भ्राता। गुरु पद कमल बंद दो भ्राता। गुरु पद कमल बंद दो भ्राता चले लो मध्य प्रदेश इंदौर में कथा कर रहा था, इंदौर में प्रवचन चल रहा था। एक महाशय जी खड़े हुए, बोले गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई मेरी। मैंने कहा बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा आपके। कहा गुरुजी समझ में ये नहीं आ रहा है, हमारे राघव जी, हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी अयोध्या से चलकर विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने के बाद अहिल्या उद्धार केवट पर कृपा करते हुए जनक जी के नगर में पहुंचे हैं। रास्ते में बहुत सारे शहर पड़े, गांव पड़े, नगर कस्बा पड़े, किसी को देखने के लिए हमारे ठाकुर जी नहीं गए, राम जी नहीं गए। जनकपुर में ऐसी कौन खूबी है, ऐसी कौन विशेषता है जो मेरे राघव जी जनकपुर को देखने के लिए जा रहे हैं? मेरे भाई बहनों, जनकपुर में खूबी है, जनकपुर में सब संत रहते हैं, सब ज्ञानी रहते हैं, सब धर्मात्मा रहते हैं। जनकपुर में कोई अधर्मी नहीं है, जनकपुर में कोई असंत नहीं है, जनकपुर में कोई मूर्ख नहीं है। आप लोग कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, सब ज्ञानी हो, सब संत हो, सब धर्मात्मा हो, क्योंकि हमारे महापुरुषों का कहना है राजन दुनिया एक सी नहीं दाने के भीतर गुण भी है। दुनिया एक सी नहीं दाने के अंदर गुण भी है। राजन दुनिया एक सी नहीं दाने के भी
गुण भी है। हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अवगुण भी है। गौर करो तो गुण भी है, अवगुण भी है। हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अवगुण भी है। दिन है तो रात्र है, सुख है दुख है, सुख के बीच में दुख छुपा होता है, दुख के बीच में सुख छुपा होता है। जन्म है तो मृत्यु है। तो आप कह रहे सब संत हैं, सब ज्ञानी हैं, सब धर्मात्मा हैं। गोस्वामी संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संसार में सबसे बढ़िया एक ही शहर है, एक ही नगर है, जहां सब संत हैं, सब ज्ञानी हैं, सब धर्मात्मा। वो कौन? ये है मिथिलापुर। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, नर नार सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे शहर को, ऐसे नगर को हमारे ठाकुर जी, हमारे राघव जी देखने के लिए क्यों नहीं जाएंगे? आप पढ़ा होगा, सुना होगा, जनकपुर में साधारण से साधारण व्यक्ति कितना धर्मात्मा है। एक कथा के माध्यम से बता दूं, जिससे आप लोगों के भाव आसानी से समझ में आ जाए। आसानी से भाव समझ में आ जाए। वैसे कथा महाभारत में आती है। एक संत जी इतने दिन तक समाधि लगाया, भजन किया, तपस्या किया कि उनकी जटाएं बढ़ करके जमीन पर आ गई। पंछियों ने घोंसला बनाया जटाओं में, अंडे रखा, बच्चा बन करके उड़ गए। इतने दिन के बाद स्नान बनाया, सूखने के लिए अपना चला प्रसार दिया, एक बगुली उड़ती हुई आई, उसने बिट कर दिया, डाल पर बैठ गई। संत जी देखा, थोड़ा गुस्सा आ गई, ऐसे क्रोधित होकर देखा तो बगुली जल करके राख हो गई, बगुली भस्म हो गई। बस वहां से महात्मा जी चले, पास में एक घर था, गांव था, गृहस्थ के दरवाजे पर गए, आवाज लगाया, माता मम भिक्षा विदे, अम्मा हमको भिक्षा दे दो। जैसे भिक्षा की कटोरी लेकर के वो पतिव्रता देवी थी, गेट के ओर बढ़ी, उसका पति दूसरे गेट से आ गया, बोला देवी मेरे को प्यास लगी है, पानी दे दो। तो भिक्षा की कटोरी देवी रख दिया, पात्र को ठीक किया, पानी पति को पिलाया, आसन लगा दिया, पति विश्राम करने लगा, पत्नी चरण दाबने लगी। इधर वो जो बगुली को जला के महात्मा जी आए हैं, वो द्वारे पर खड़े गुस्सा रहे हैं, जल्दी मेरे को भिक्षा दे दिया जाए, और भिक्षा नहीं दी जाएगी मैं खराब दे दूंगा, तेरा बना बनाया राग बेराग हो जाएगा। आप पतिव्रता देवी पति की सेवा छोड़ के कैसे जाए?
क्योंकि हमारी बहन बिटिया लोगों के लिए बताया गया है। एक धर्म एक व्रत ने मा दान रे, एक धर्म एक व्रत ने मा दान रे, एक धर्म एक व्रत ने मा दान रे, एक धर्म एक व्रत ने मा राम हरे, एक धर्म एक व्रत ने मा राम हरे, काय वचन मन पते पत प्रेमा राम हरे, काय वचन मन पते पत पत्नी नहीं आ रही है पति की सेवा छोड़ करके। महात्मा को गुस्सा में देख के सुन के पति बोला, देवी देखो दरवाजे पर कोई बोल रहा है। हाँ स्वामी, कोई अतिथि देवता आए हैं और मैं आपकी सेवा छोड़ करके उनका सम्मान कैसे करूं। पति बोला, नहीं देवी, अतिथि देवो भव, अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन का सब पूर्ण नशाई, जाओ अतिथि का सम्मान करो, भिक्षा दे आओ, तब मेरे चरणों की सेवा पैरों की सेवा करो। जब पति कहा तब देवी लेकर के भिक्षा की कटोरी गेट पर आई। संत जी मार गुस्सा माग बबूला, बोले थोड़ी देर और ना जाती मैं खराब दे देता, तेरा बना बनाया राग बेराग हो जाता। तो उस बहन के मुख से एक शब्द निकला, संत जी ना हम बको हम, बोली ना हम बको हम, ये हमारे भैया जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम किया जा रहा है रामू सिंह जी के करकमलों से, ठाकुर जी की सेवा में सादर गाड़ी कमाई का ईशा दान भेंट हुआ है। मेरे स्वागत सम्मान में बहुत बढ़िया माल भेंट 501 रुपए का दान, सभी बच्चों के लिए हमारे उत्साहवर्धन करने के लिए भैया की तरफ से दक्षिणा दी जा रही है। भगवान सुख शांति दे, जीवन मंगल में हो। संत जी बोले ना हम बको हम, वो पतिव्रता देवी संत जी से कहा ना हम बको हम, हम बगुले नहीं जो ऐसे क्रोधित होकर देख लोगे जल करके राख हो जाएगा। भाई लक्ष्मण जी वाली कहावत, यहां कुम्हर बतिया को नाही जो तर्जनी देख मर जाही। अब महात्मा के पैर के नीचे की धरती खिसकने लगी कि जब मैं बगुली को जलाया था हमारे अलावा कोई दूसरो रहा ही नहीं, और था भी तो इतनी जल्दी कैसे आ गया यहां, इस बहन से घर में कैसे बता दिया, मेरे से पहले तो कोई आ ही नहीं सकता। संत जी का, देवी आप हमको भिक्षा न दो, ये बता दो तुम कैसे जान गई मैं बगुली को जला के आया हूं। कहा इसकी जानकारी आपको करना है तो मिथिलापुरी में चले जाओ, किसी से बात करो कोई बता देगा मैं कैसे जान गई हूं, क्योंकि मिथिला में सब धर्मात्मा रहते हैं, सब संत रहते, सब ज्ञानी रहते, पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण बता। संत जी तुरंत मिथिला नगरी के लिए प्रस्थान किया है, मिथिलापुरी में आए, देखा एक व्यक्ति अपने दरवाजे से अपने गेट से निकल रहा था, सर के ऊपर एक टोकरे में मांस के लोथड़े रखा हुआ है, बाजार के लिए बेचने जा रहा था। संत जी बोले, भैया मैं तुमसे बात करना चाहता हूं।
कहा गुरुजी हमारे पास समय नहीं बात करने का, और अभी मैं टाइम निकाल के आपसे बात करूंगा। आप ये तखत पड़ाए बढ़िया आसन लगाओ, इसी पर बैठो, जाना नहीं जब तक हमारी तुम्हारी बात न हो जाए लौट के। संत हैं तो आप मजबूरी महात्मा को बैठना पड़ा। वो बाजार गया मांस बेचा, उससे जो पैसा मिला उससे आटा दाल चावल साग सब्जी खरीद के लाया। बूढ़े माई बाप थे, उनको बढ़िया अपने हाथों से भोजन बनाया खिलाया, आसन लगा दिया। माई बाप शयन करने लगे, थोड़ी देर चरण की सेवा किया, माई बाप जो सो गए, तब गेट पर आया, संत जी से कहा, संत जी क्या आपको अमुक पतिव्रता देवी जी ने भेजा है? आप तो स्वामी जी और बड़े परेशान, एक तो करू करेला दूसरे नीम भी चढ़ो, ये कोई साधक नहीं है, तपस्वी नहीं है, संत आचार्य नहीं है, ये कैसे जान गया मैं पतिव्रता देवी के पास से आ रहा हूं? अभी मेरे सामने मांस बेचने के लिए गया था। कहा भैया तुमको ये सब कैसे पता हो गया? कहा हमको हो गया पता, क्योंकि हम लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मेरा धर्म है माता पिता की सेवा करना, और इनकी जब सेवा कर लेता हूं तब समय निकलता, उसमें अपने लिए काम करता हूं। इन्हीं के सेवा के प्रभाव से दुनिया में कहां पर क्या होता है हम सब जान जाते हैं, सब देख लेते हैं, हमको सब पता होता है, हमको सब पता होता है। जिस देवी के पास से आए हो, पतिव्रता देवी के पास से आए हो, वो पति के चरणों की सेवा के प्रभाव से दुनिया में कहां क्या होता है सब देख लेती, घर में बैठे बैठे। आप बगुली को जला करके आए, देवी को पता हो गया था। अब आप लोग समझ गए होंगे मिथिला में साधारण से साधारण व्यक्ति कितना धर्मशील है। ऐसे शहर, ऐसे नगर, ऐसे कस्बे को देखने के लिए मेरे राघव, मेरे भगवान राम जी क्यों नहीं जाएंगे? जहां सब पुर नर नारी सुभग सुखी संता, जनकपुर को देखने के लिए जाते हैं। दूसरी बात समझ लो, क्यों नगर देखने जाते हैं? भगवान कहां नहीं जाते, भगवान कहां नहीं है, हर जगह पर मेरे भगवान है। प्रभु का आगमन, प्रभु का प्राकट्य कहां होता है? जहां पर उनको प्रेम अगाध मिलता है। और भगवान को संसार में सबसे प्रिय है तो केवल राम ही, केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वसुई जान नुहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वसुई जान नुहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वसुई जान नुहारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट।
देशवासियों का प्रेम कितना है भगवान के प्रति, राम जी के प्रति। बिल्कुल थोड़े शब्दों को लेकर याद दिला दूं, जहां इतना चाहने वाले लोग हों, इतने प्रेमी हों, ऐसे शहर, ऐसे नगर, ऐसे कस्बा को देखने के लिए ठाकुर जी क्यों नहीं जाएंगे भैया। यह बात जब जनकपुर वालों को मालूम हुई, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। जैसे जनकपुर वालों को मालूम हुआ राम लक्ष्मण नगर देखने के लिए आए हैं, भागदड़ मच गई। जो जिस स्थिति में था वैसे भाग लिया, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंगन दिलन लागी, मनहु रंगन दिलु जन लागी, मनहु रंगन दिलु जन लागी, प्रभु के प्रति इतना लगाव, जो जैसे तैसे ही उठी धावे, बाल वृद्ध कहां संगन लावे, स्नान कर रहा था, ऐसे पानी गिरा रहा सर पर, वैसे भाग खड़ा हुआ। कहां धोती रहती है, कहां लंगोटी रहती है, कहां बाल्टियां रहती है, नहीं होश, दौड़ता चला जा रहा, कहां है प्रभु, कहां है राम लक्ष्मण, कहां है। जो जैसे तैसे उठता, कोई लिसाई पुताई करने वाला मिट्टी वाला काम कर रहा था, इतने इतने हाथ मिट्टी में सने हुए, हाथ धुलने का समय नहीं लिया, वैसे गंदे हाथों से भागा। जो जैसे तैसे उठ धाम। जनकपुर की बहु बिटिया जो कभी पर्दे से बाहर नहीं होती थी, रोटी बना रही थी, एक रोटी तवा पर पड़ी, एक चूल्हम खड़ी और आटा हाथ में ले मार चली जाए, कहां कहां। जो जैसे तैसे उठ धामे, बाल वृद्ध कहां संगन लावे, बच्चे रोए मम्मी मम्मी हम हो चले वो हम, बट 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 हमर जा चले वो लगाए, अब है उठी अब है उठी। बूढ़े लोग कहते बेटा हमको भी दिखा दो, भगवान के दर्शन करा दो, बैठो चुपे, जिंदगी बीत गई, दर्शन आए बुढ़ापा में, बैठो भैया उठी मार लो, बाल वृद्ध कहां संगन लावे, धाई धाम काम सब त्यागी,
मनहु रंक निधि लूटन लागी। इतना प्रेम है जनकपुर वालों का, इसलिए हमारे राघव जी जनकपुर को देखने के लिए गए। जो बहु बिटिया कभी परदेश से बाहर नहीं होती थी, उनकी जरा देखो क्या दशा है। झरोखन से झांक गेट पकड़े खड़ी हैं, आटा पर चढ़ी हैं, छज्जा पर लटकी जा गिराई का नहीं डरा। भगवान के दर्शन के लिए गप न समझ लेना, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, युवती भवन झरो कहिला, युवती भवन झरो कहिला, निरखहि राम रूप अनुरागे, निरखहि राम रूप अनुरागे, युवती भवन झरो कहिला, निरखहि राम रूप अनुरागे, युवती कभी परदेश से बाहर नहीं होती थी, आज भगवान के दर्शनार्थ रास्ते में गलियों में दौड़ी दौड़ी घूम रही है। एक नई नई बहू जनकपुर में विदा करा के लाई गई थी, देखा पूरा घर पूरा मोहल्ला खाली हो गया है। भगवान के दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा, पूरा मोहल्ला खाली हो गया तो बहू भी दौड़ी कि मैं भी भगवान के दर्शन करूं। अच्छा, सास का ध्यान था कि मैंने बहू को मना नहीं किया, ऐसा ना वो भी कहीं आ जाए। इतने में सास देखा बहू दौड़ती चली आ रही भगवान के दर्शन के लिए, दौड़ती चली आ रही, उसका पल्लू जमीन पर लुटरता चला आ रहा, जमीन पर लुटरता चला आ रहा, सर खुला हुआ है। बूढ़ी वही नाराज होने लगी, बहू को फटकारने लगी, पागल कहीं की, क्या जरूरत थी तेरे को घर के बाहर निकलने, अबे कल विदा करा के लाई गई और आज सर खोले घूम रही है मोहल्ले, आज सर खोले घूम रही है, मेरी बेइज्जती करा दिया तुमने, मेरी नाक कटा दिया, चल घर। बड़े बूढ़े देख रहे हैं, शर्म नहीं आती तेरे को। बहू बोली, अम्मा माँ, मैंने तुम्हारी बेइज्जती नहीं कराई हूं, तुम्हारी मैंने नाक नहीं कटाई हूं, नाक तो तुम्हारी तब कटती जब कोई मेरे को देखता तब ना।